बूंदी बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है 1 कप बेसन, और ये बेसन बिल्कुल फाइन वाला बेसन है। यहाँ पर हमने लिया है एक मिक्सिंग बोल, इसके ऊपर हम रखेंगे ये छन्नी और बेसन को इस छन्नी के अंदर डाल देंगे और बेसन को इस तरह से छान लेंगे। आप बेसन को कभी भी इस तरह से छान कर ही लें, जिससे इसके अंदर की जो गांठें होती हैं वो निकल जाएंगी और बेसन एकदम स्मूथ हो जाएगा। ये देखिए हमने यहाँ पर बेसन को छान लिया है और अब इस बेसन में किसी तरह की कोई भी गांठें नहीं है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे पानी, इसके अंदर धीरे धीरे करके पानी ऐड करेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। अभी मैंने यहाँ पर इसमें आधा कप पानी ऐड किया है। अब हम इसके अंदर थोड़ा और पानी ऐड करेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमारा बिल्कुल लंप फ्री बैटर बनकर रेडी है और आप बैटर की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, कुछ इस तरह की बैटर की कंसिस्टेंसी है। और यहाँ पर इस बैटर को बनाने के लिए हमने 3/4 कप पानी का यूज़ किया है और जो हमने 1 कप पानी लिया था उसमें से ये 1/4 कप पानी हमारे पास बच गया है। आप यहाँ पर बैटर की कंसिस्टेंसी को ध्यान से देख लें, क्योंकि बेसन की क्वालिटी के हिसाब से पानी थोड़ा सा कम या ज़्यादा भी यूज़ हो सकता है। आपको इस तरह की कंसिस्टेंसी रखनी है जो कि बूंदी बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। अब इस बैटर को हम 5 से 7 मिनट के लिए रेस्ट पर रखेंगे। यहाँ पर हम बूंदी बनाने के लिए इस तरह के फ्राइंग झारे का यूज़ करेंगे। ये झारा हम सभी के घर में इजीली अवेलेबल होता है। आप बूंदी बनाने के लिए इस तरह की प्लेट का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर इस तरह का जो ग्रेटर होता है, इस ग्रेटर की हेल्प से भी हम बूंदी बना सकते हैं। या फिर आप बूंदी बनाने के लिए इस तरह की जो सेव बनाने वाली मशीन आती है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी जाली आती है, जिसमें से कि एक इस तरह की जो जाली होती है जिसे बड़े छेद होते हैं, इसका यूज़ करके भी हम बूंदी बना सकते हैं। जब तक बैटर रेस्ट कर रहा है तब तक हम बूंदी के लिए चाशनी बनाकर रेडी कर लेंगे। इसके लिए हमने यहाँ पर एक गहरा बर्तन गर्म रख लिया है। इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 कप शक्कर और उसी कप से इसके अंदर ऐड करेंगे 1 कप पानी। यहाँ पर हमने बेसन, शक्कर और पानी एक ही कप से मेज़र किया है। अगर आपके पास इस तरह का मेजरिंग कप नहीं है तो आप अपने घर में अवेलेबल कोई भी कटोरी या कप को सेट कर लें और सारा मेजरमेंट उसी से करें। हम शक्कर को पानी में पूरी तरह से डिजॉल्व होने तक इसे पका लेंगे। ये देखिए यहाँ पर शक्कर पानी में पूरी तरह से घुल चुकी है। अब इस चाशनी को हम थोड़ी देर के लिए और पका लेंगे, लगभग 2 मिनट के लिए। हमें यहाँ पर बूंदी बनाने के लिए किसी तरह की तार वाली चाशनी नहीं चाहिए, सिर्फ चिपचिपी चाशनी हमें चाहिए। जिस तरह की चाशनी हम गुलाब जामुन बनाने के लिए बनाते हैं, बस उसी तरह की चाशनी हमें यहाँ पर चाहिए। इस चाशनी के अंदर हम ऐड करेंगे थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर और इसे चाशनी के साथ मिक्स कर लेंगे। इससे बूंदी में बहुत ही अच्छा कलर आएगा। कलर ऐड करना यहाँ पर पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसे ऐड करें, अदरवाइज आप ऐसे भी बूंदी को बना सकते हैं। ये देखिए हमारी चाशनी बनकर तैयार है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और फ्लेवर के लिए इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर और इसे चाशनी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब हम चाशनी को इस तरह से ढककर एक साइड रख देंगे, क्योंकि बूंदी को चाशनी में डालते टाइम चाशनी हल्की सी गर्म रहनी चाहिए। और ये देखिए हमारा बैटर भी अच्छी तरह से सेट हो गया है। इस बैटर के अंदर भी हम ऐड करेंगे थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर
और इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून घी या फिर तेल, और बैटर को अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए अब हमारा बैटर बूंदी बनाने के लिए बिल्कुल रेडी है। यहाँ पर हमने सोडे का यूज़ नहीं किया है क्योंकि इस बूंदी को हम बिना सोडे के बनाएंगे, और बिना सोडे के भी ये बूंदी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही अच्छी बनेगी। यहाँ पर हमने बूंदी तलने के लिए घी गर्म रख लिया है। आप घी की जगह यहाँ पर तेल का भी यूज़ कर सकते हैं। बूंदी तलने के लिए घी गर्म हो चुका है। इसे चेक करने के लिए हम एक ड्रॉप इसके अंदर डालेंगे, और ये देखिए ड्रॉप इस तरह से एकदम ऊपर आ जाना चाहिए। बस हमें बूंदी तलने के लिए इतना ही गर्म घी चाहिए। अब हम बूंदी बनाना शुरू करेंगे। बूंदी बनाने के लिए इस तरह के झारे का यूज़ हम कर रहे हैं, और इसमें इस तरह से गोलाई में घुमाते हुए हम इस तरह से बैटर डालेंगे। और हमें इस झारे को कढ़ाई से थोड़ा सा इस तरह से ऊपर ही रखना है, इससे एकदम टच करके हम नहीं रखेंगे। और हमें झारे को बिल्कुल हिलाना भी नहीं है, अपने आप ही बूंदी गिरती जाएगी। आप देख सकते हैं गैस की फ्लेम को हम लो कर देंगे क्योंकि बूंदी को तलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और ये देखिए आप देख सकते हैं किस तरह से गोल गोल बूंदी हमारी बन गई है। हम इसे इस तरह से अलटते पलटते हुए हल्का सा फ्राई कर लेंगे, और ये देखिए बूंदी अच्छे से फ्राई हो गई है। अब हम इसे घी से बाहर निकाल लेंगे। और ये देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ किस तरह से एकदम गोल गोल बूंदी ये बनी है। और अब दूसरी बार बूंदी बनाने से पहले हम ये जो हमारा झारा है इसे साफ कर लेंगे। ये देखिए मैं आपको एक बार और ये बूंदी बनाकर दिखाती हूँ। ये देखिए हमारी गोल गोल मोती जैसी बूंदी बनकर बिल्कुल तैयार है। अब इस बूंदी को हम डालेंगे चाशनी के अंदर। चाशनी अभी हल्की सी गर्म है और बूंदी भी हल्की गर्म है। इस बूंदी को अब हम इस चाशनी के अंदर डाल देंगे। और पूरी बूंदी को चाशनी के साथ अच्छी तरह से ऐसे मिक्स कर देंगे। अब इस बूंदी को हम 3 से 4 मिनट के लिए चाशनी में इसी तरह से डिप करके रखेंगे जिससे कि बूंदी चाशनी को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लेगी। ये देखिए बूंदी ने भी चाशनी को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया है। अब इस बूंदी को हम चाशनी से निकालकर प्लेट में रख लेंगे। ये देखिए हमारी बहुत ही रसीली बिल्कुल मोती की तरह प्रसाद वाली बूंदी बनकर बिल्कुल तैयार है। आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स और सोशल मीडिया पर शेयर करें। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके आप SDM वेज फूडीज चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।